Welcome, Data Interpretation. IBPS SO Specialist Officer, 30th December 2017 का आया हुआ ये मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन सेट है, बहुत बढ़िया है और इस साल के एग्जाम के लिए भी और IBPS क्लर्क मेन और दूसरे एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए हम लोग देखते हैं व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच, कम से कम लिखते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह, अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, डेटा क्या है। तो इंस्ट्रक्शन तो बस है कि क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बुक्स वेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नोट में अमंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ रेस्पेक्टिव प्रिंटिंग कंपनीज, नेम ऑफ द प्रिंटिंग कंपनीज ABCDE, नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड। रुकिए, आगे बढ़ने के पहले इन कंपनियों में कितने बुक्स प्रिंट हुए उसका नंबर दिया है सेकंड कॉलम में। परसेंटेज ऑफ प्रिंटेड बुक्स, ये डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी जितने भी प्रिंट हुए सब के सब डिस्ट्रीब्यूटर में नहीं बटे, थोड़ा कम बटे, 80%, 60%, 75%, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिले। नंबर ऑफ बुक्स रिसीव्ड बाय ईच डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक को कितना मिला। नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ईच, इसका मतलब हर एक को कितना मिला। तो नोट में आप जरा ध्यान दीजिए कि नोट में यह साफ लिखा है कि हर एक को इक्वल मिला। बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसका मायने यह है कि 5600 का 80% अगर हम निकाल लें तो हमें पता चलेगा कि कंपनी ए के कितने प्रिंटेड बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिले और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को 128 मिला, तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर थे, यानी उसे हम 128 से डिवाइड कर दें तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिनको कि ए से मिला, वैसे ही बी से मिला, सी से मिला, डी से मिला, ई से मिला। अब ये देख करके आपको ये लगता है कि हम बार बार क्यों निकालें, एक ही बार नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाल देते हैं ना, ये मन करता है कि ये कर दें फिर हम लोग जैसे जैसे होगा यूज कर लेंगे। लेकिन फिर मन करता है कि पहले से हम क्यों लिखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जहां जिसकी जरूरत होगी उसको लिख दिया करेंगे ताकि उसको दोबारा निकालना ना पड़े, तो यही बेस्ट अप्रोच रहेगा। पहले से क्यों लिखें, हो सकता है पांच में तीन ही निकालना पड़े, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और जहां जहां जैसे जैसे जरूरत होगी उसके मुताबिक निकालेंगे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनीज CDE अमंग देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स। जरा सोचिए क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज निकालना है अमंग CDE जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, CDE यानी 75% ऑफ 3800, 68% ऑफ 3000 एंड 70% ऑफ 4500। तो जब ये तीनों निकालेंगे तो रिजल्ट को बगल में लिख लेंगे और बाद में जब डिवाइड करना करने की जरूरत पड़ेगी तो डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी निकल जाएगा। ये एक बात हुई। दूसरी कि हम निकाले ही नहीं, उतना ही निकाले जितनी जरूरत है, तो दो तरीका। तो मैं पहले फर्स्ट वे से बात कर लेता हूं कि चलिए निकालते हैं तो क्या होगा, CDE सी का निकालेंगे तो क्या होगा, ताकि वहां लिख दें तो 75% ऑफ 3800 कैसे निकालेंगे। एक तो कि 25% निकाल के हटा दें, ये भी अच्छा तरीका है। दूसरा कि ना भाई, मैं 75% निकालूंगा, मुझे आता है निकालना, तो 3600 होता तो 3/4 कितना होता, 1/4 900 तो 2700, और 200 का 150 2850 क्यों न लिखते,
28 50 क्यों नहीं लिखते? हालांकि बाद में जब हम 190 से डिवाइड करेंगे जरूरत पड़ेगी तो मालूम हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं। अभी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, अभी क्या जरूरत है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहां तक सवाल है, ये 2850 ये हुआ। दूसरा क्या है, डी का 68% ऑफ 3000, 70% कितना होगा 2100। देखिए 2100, और 2% कितना होगा 60। 2100 में 60 लेस कर दीजिए तो 2040 क्यों ना हो। बाद में जरूरत होगी तो हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने थे। अभी क्या जरूरत है, 2040। ठीक है, इसके बाद थर्ड ई, 70% ऑफ 4500। ज्यादा कुछ किए बिना आप इसको कर सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं 30% हटा दें तो 45 दिया ही पता है, 135, 1350 हटा दें, 1350 हटा दें। 1350 हटाना अच्छा लग रहा तो ठीक, नहीं लग रहा तो और ठीक। इसको अगर आप हटाते हैं 1350 तो 1400 पहले घटा दीजिए, 1400 लेस करेंगे तो क्या होगा, 3100 होगा, और ये 50 बाई जरूरत होने पर हम लोग इसको डिवाइड करें। दूसरी बात, ऐसे क्यों करें, सीधा 70% निकालते हैं ना। देखिए तो 400 मांग के बोलिए 70% कितना होगा 2800, और 50 मांग करके बोलिए 350, तो कहां प्रॉब्लम है, 3150 क्यों ना लिखें, 3150 क्यों ना लिखें। रुकिए, इस तीनों को लें और 3 से डिवाइड कर दें तो जो आया वो एवरेज हुआ। नहीं करेंगे ऐसे। क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे एवरेज को हम 2000 मान लेते हैं और बाकी 850 और 1150 2040 बांटना ही है तो इसको बांटते हैं ना। ये ना अच्छा रहेगा। बोलिए, यानी 2680 इज आंसर, 2680 इज आंसर। बोलिए, ये समझ में आ रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, ये फर्स्ट मेथड। दूसरी बात कि वो वैल्यू निकालना था तो चलिए यूज कर लिया, वो वैल्यू नहीं निकालना। तो सबका ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। पहले ही 1/3 कर देते ना, 25% कर देंगे, 3600 होता तो 950 क्यों ना लिखें, 950 क्यों ना लिखें, क्यों ना लिखें, सीधा 950 क्यों ना लिखें। बता दूंगा, फिर लिख भी दूंगा, 68% ऑफ 3000 का 1/3, अरे 1/3 पहले यही कर देते हैं, 1000 का लेते हैं ना तो 680 क्यों नहीं होगा, ऐसे क्यों ना लेंगे। 1/3 ऑफ 70% ऑफ 4500, अरे 1/3 यही कर देते ना, 1500 का लेते ना, 70% 150 आंसर। ये दोनों मिलके 2680 आंसर। रुकिए, कैसे किया हमने, क्या किया, 1/3 लिया, 1/3। अब 1/3 क्या लिखे, ऐसे लिख देता हूं, यहां पर अच्छा लगा 25% ऑफ 3800 पहला वाला में, सेकंड वाला में हमें अच्छा लगा 68% ऑफ 1000 और तीसरे वाले में 70% ऑफ 1500। ये हमने किया ये सेकंड मेथड।
अगर सिर्फ इसी क्वेश्चन को करना होता तो वो वैल्यू नहीं लिखना होता, तो हम लोग ऐसे करते। ठीक है, आइए फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूं। कंपनी ए प्रिंट्स बुक्स आइदर इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस। ए प्रिंट तो उसने किया 5600, और वो या तो हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है। ठीक है, प्रिंट जो द रेशियो ऑफ हिंदी बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। रुकिए, प्रिंट करने से नहीं होगा, बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो भाई 80% निकालेंगे, वही 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 जो होगा उसी के बारे में बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज 11:5। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब अगर हम आगे न पढ़ें तो बोलेंगे 80% ऑफ 5600 निकाल लेंगे, जो आएगा उसको 11:5 के रेशियो में बांट देंगे, मालूम हो जाएगा हिंदी बुक्स कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हुए और इंग्लिश बुक कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हुए। लेकिन ये सब तो हमारी कल्पना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स रिसीव्ड। इंग्लिश बुक्स रिसीव्ड By each distributor of company A, each distributor का मतलब 128 कुछ कर रहे नहीं है, यानी 11 मतलब हिंदी बुक जो है, पहले क्या था हिंदी, यानी हिंदी बुक अगर 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 11 हो तो इंग्लिश बुक 5 है, तो टोटल कितने हैं, टोटल जो कि ईच डिस्ट्रीब्यूटर को मिले वो कितने हैं, वो 16 है, दिया है कि टोटल टोटल वो 128 है। 128 है, 16 का टेबल में आता है 16×64 दुना 8 टाइम्स। इंग्लिश बुक पूछा था इनटू 8 क्यों ना करें। 40 इज आंसर, 40 इज आंसर, ए आंसर। ध्यान देने की बात है, ये रेशियो यदि प्रिंटेड बुक्स का होता तो 5600 को डिस्ट्रीब्यूट करते 11:5 के रूप में, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स का होता तो 80% निकालने के बाद करते टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स। लेकिन ईच डिस्ट्रीब्यूटर का सवाल है तो 128 में बांटेंगे ना। बोले चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन सेट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन और इसमें लास्ट से करते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बनता जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो 5th नंबर क्वेश्चन में पढ़ता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स रिसीव्ड बाय 7 डिस्ट्रीब्यूटर्स टुगेदर ऑफ कंपनी डी एंड दैट बाय 11 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कंपनी बी। ये एकदम सीधा सवाल है, क्या पूछा जा रहा है, देखिए डिफरेंस लेना है जो कि रिसीव्ड बाय 7 डिस्ट्रीब्यूटर्स। 7 डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना बिला मालूम हुआ है 4th नंबर में। तो कंपनी डी में हर एक को 170 मिला। 5th नंबर क्वेश्चन का यहां तक सवाल है, 170 करके सबों को मिला तो 7 को कितना मिला, इसका डिफरेंस। और 11 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ बी में हर एक को 80 मिला तो 11 को कितना मिला, बस यही तो करना है। यानी कहने का मतलब 17 जा बोले 119 यानी इतना, और ये 880 बोले आराम से बोलिए 310। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। डी इज आंसर 310। बोलिए समझ में आ रहा है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को कितना मिला मालूम है, तो हमसे कभी 7 और कभी 11 का पूछ के डिफरेंस पूछा जा रहा है, सम पूछा जा सकता है ईटीसी। ठीक, इसके बाद आ जाइए आगे, 4th नंबर कर लेते हैं। 4th नंबर क्या है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ कंपनी ई इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ कंपनी सी। यहां नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें चाहिए तो निकाल लेते हैं, जहां चाहिए वहां निकालेंगे। ई के लिए बात हो रही है, ओके, ई के लिए बात हो रही है और सी के लिए बात हो रही है।
या नित्यन सी के लिए बात हो रही। तो ई का नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स कितना है, तो ई का तो हम लोग लिख चुके हैं ना, ये 3150। हालांकि इसको लिख चुके हैं इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं, अदरवाइज यहीं पर हम लोग कर लेते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, ये कितना होगा समझ में नहीं आ रहा है, डबल कर दीजिए तो, डबल कर दीजिए तो, डबल कर दीजिए तो, इसको डबल कर देंगे तो 6300, इसको डबल कर देंगे तो 300, सब कुछ दिखता है, दिस इज 21। बोले बोले बोले, और सी का यहां तक सवाल है, ई और सी के बारे में कहा गया, सी का यहां तक सवाल है, लिखा हुआ है 2850, जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसका अपना बेनिफिट है, दोबारा नहीं लिखना पड़ रहा है, यहां भी लिखने की क्या जरूरत है, वो तो समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। 19 इस प्राइम नंबर अवश्य डिवाइड करेगा, आप 19 से इसको कैंसिल कीजिए, ये काटना ही है 19 और 195, यानी कहने का मतलब 15 टाइम्स। ठीक है, अब ये पूछा है कि 21 इज हाउ मच परसेंट मोर, अरे मोर 6 मोर, 6 बाय 15 का मतलब हम जानते हैं कि 2 बाय 5 होता है, दैट मींस 40% होता है, और 2 बाय 5 को 40% कहते हैं, यानी डी इज आंसर, डी इज आंसर। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन सेट का लास्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ता हूं, 6% ऑफ द बुक्स प्रिंटेड बाय कंपनी बी हैड माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक्स। रुकिए, जगह पर रुकना जरूरी होता है, नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे तो जो पढ़े हैं वो बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि उसके मीनिंग पर आपने ध्यान नहीं दिया। प्रिंटेड बाय बी यानी 3200, उनमें से 600 में एरर था, माइनर प्रिंटिंग एरर था। ठीक है, यानी बी का 3200 का हम 6% निकालें तो मालूम हो जाएगा कि कितने में प्रिंटिंग एरर था। हो गया, अब आगे बढ़िए। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक्स प्रिंटेड बाय कंपनी बी टू दैट ऑफ कंपनी ए इज 3:7। देखिए, बी का तो मालूम हो जाएगा, और बी के साथ ए को जोड़ दिया 3:7, तो हम ए का जो माइनर मिस्टेक वाला है वो निकाल लेंगे। देन व्हाट परसेंट ऑफ बुक्स प्रिंटेड बाय कंपनी ए हैड माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक्स, वो नंबर कंपनी ए का कितना परसेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि 6% जो कंपनी बी का मतलब यहां लिखते हैं बी का जो है 6%, तो 3200 का 60% है ना, उसकी तो हमें जरूरत है नहीं, हमें तो इसकी जरूरत है, तो 6% हुआ, मत निकालिए, 32 × 6 रहने दीजिए, काम आएगा 6%, 1% है ना 6%, ये बी का एरर वाला पार्ट है। और इसके साथ जो रेशियो है ए का वो 3:7 है, यानी ये 3 है तो वो 7 है, ये ए का निकल गया ए में। अगर हम डायरेक्ट बात करना चाहें तो ये पूरा फिर से मैं बोलूं, रुक जाइए, बी का 6% में एरर है माइनर, तो 6% मतलब इतना सॉल्व नहीं करेंगे, और ये 3 है तो 7 एरर होगा ए में, एरर हम सॉल्व करें निकालें क्यों करें, ये पूरा जो है ए का प्रिंटिंग एरर वाला है, माइनर एरर वाला है, ये टोटल जो ए का है 5600, इसका कितना परसेंट है पूछा है, कितना पार्ट है बात कर लेते हैं ना, अच्छा रहेगा 100 को टच मत कीजिए, 8 से काटें 4 times, ये 8 से 7 टाइम्स काटें, 7 भी कट गया, 8 से 4 खत्म ही हो गया। देखिए तो जरा, 100 में ए में 100 में ये कितने हैं 8, सब कुछ एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ए इज द आंसर। आप अलग अलग निकालते, परसेंटेज निकालते, कितना प्रॉब्लम होता, परसेंटेज इज रेशियो निकाल के क्यों नहीं सॉल्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा।
पोस्ट देने का सिलसिला मेरा जारी रहेगा, आप अपने लक्ष्य में लगे रहिए, मेरे प्लेलिस्ट में आपकी सफलता का राज छुपा है। प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो इच्छा हो, जो अच्छा लगे वो आप देखिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।